तो आज शाम की चाय के साथ हम खाएंगे ये स्वीट कॉर्न। बाजार में जब भी इसकी खुशबू हम लेते हैं तो बस बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और दिल चाहता है कि फौरन खा लिया जाए। उस टाइम हम अपनी डाइटिंग भी भूल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, बस दिल चाहता है जल्दी से ये मुंह में आ जाए। तो ऐसी ही एक छोटी सी रेसिपी है झटपट बनने वाली, तो इसको हम कैसे बनाएंगे चलिए आइए देखते हैं। तो स्वीट कॉर्न घर पे ही बनाने के लिए मैंने अपने स्वीट कॉर्न को देखिए बॉईल करने रखा है। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल दिया है ताकि ये अंदर तक से नमकीन हो जाए। बस जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद इसमें हम अपने मसाले मिला लेंगे। बॉईल आने के बाद अभी 5 मिनट हुए हैं, चेक करते हैं इसको। लेकिन इसको आप ऐसे चेक नहीं कर सकते, इसको आपको खाना पड़ेगा। इसको गल गया है, बस गैस बंद कर देते हैं और इसको स्ट्रेन कर देते हैं पानी निकाल कर, फिर बाउल में निकालेंगे, फिर सारी चीजें डालेंगे। सबसे पहले मैं ये लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, हाफ लेमन, ताकि अगर कोई बीज हो तो मैं उसको निकाल सकूं। ये डाला मैंने बटर का पीस, ये देख लीजिए बटर अभी चूंकि फ्रिज में से निकाला है तो जमा हुआ है, ये मैंने इसमें डाला। और ये गर्मा गर्म इसके अंदर मैं कॉर्न डालूंगी ताकि ये बटर मेल्ट हो जाए। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, बस इसको जल्दी से हम चला लेंगे। कुटी हुई मिर्च, बटर और लेमन, इसको हम मेल्ट करने के लिए बटर को थोड़ा अंदर करके दबा के रखेंगे। गर्मा गर्म हमारे कॉर्न्स हैं, ये आराम से मेल्ट हो जाएगा। चलिए बस अब इसको प्लेट पे निकालते हैं। अब आप चाहें तो इसमें गार्निशिंग हरा धनिया की कर ले, कुछ लोग इसमें अनियन भी डाल लेते हैं छोटे छोटे पीसेस करके, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी, तो इसको हम प्लेन ही रखेंगे, इतना ही कुछ डालेंगे। चलिए आइए प्लेटिंग करते हैं। वाओ, बन के तैयार है हमारा स्वीट कॉर्न, खूबसूरत और मजेदार। देखा, बिल्कुल अपने तिरंगे झंडे की तरह ऑरेंज ग्रीन सारे कलर इसमें दिख रहे हैं। तो अपनी 26 जनवरी हम इसी तरह मनाते हैं। चलिए हमारा शाम की चाय के साथ का ये प्रोग्राम आप भी एंजॉय कीजिए, आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और देखिए प्लीज अपने खानदान में जितने लोग हैं आपके सबसे सब्सक्राइब करवाना है आपको, तभी तो मजा आएगा जरा खाना पकाने में और खिलाने में। अल्लाह हाफिज़।